वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट संसद में पेश किया। इसमें देश भर से अलग अलग जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो आ रही है। किसानों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, साथ ही बेटियों को ध्यान में रख के विशेषकर महिलाओं को इस बजट के केंद्र बिंदु में रखा गया है। और आगे अमृतकाल का ये बजट बहुत ही खास है, लेकिन इसको लेकर के हम अभी भोपाल में आए हुए हैं। हमारे साथ मृदुल आर्य जी हैं जो एक एडवोकेट हैं, साथ ही टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वो इस पूरे बजट को किस तरीके से देखते हैं, उनको क्या लगता है ये बजट किस तरीके से देश के विकास में योगदान देगा, क्या और कुछ बेहतर हो सकता था, क्या क्या चीज़ें, चलिए उनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये जो बजट आया है तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि तमाम चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर के लोग आ रहे हैं, फिर आम आदमी भी है, उसके जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। आपके नज़रिए से इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? एज अ टैक्स एडवोकेट, मतलब टैक्स के फील्ड में काम करते हुए, मैं तो टैक्स पे ही ज़्यादा ध्यान करता हूँ। जो जनता को उम्मीद थी कि चुनाव का बजट होगा तो चुनाव के लिए शायद थोड़ा छूटें मिलेंगी, तो जब मोदी जी उन्होंने उस पर पॉपुलिस्ट चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। जो जनता उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स की रिबेट बढ़ जाएगी, टैक्स का रेट कम हो जाएगा, बेसिक छूट बढ़ जाएगी, न्यू रिजाइम जो है उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, उन्होंने कुछ उस पर कहीं कुछ छेड़ाखानी नहीं की। इनकम टैक्स के रेट्स पे कोई बदलाव नहीं है, जीएसटी रेट्स पे बहुत छोटा मोटा कहीं पर है, बाकी जो पीछे डिटेल्स हैं जो इकनॉमी पे खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, वो तो पहले भी बढ़ता रहा था, इतने सालों में अभी भी बढ़ा है, और आगे लगता है कि चुनाव के बाद जब बजट आएगा तो उसमें और बेनिफिट्स मिलेगा। तो जनता की जो उम्मीदें थी वो तो एकदम से पूरी नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने अचीवमेंट्स बताए हैं मैडम ने अपने भाषण में, वो उसको मैं एग्री करता हूँ कि आज की डेट में जैसे उन्होंने बताया कि सब 90 दिन लगते थे रिटर्न प्रोसेस करने में, वो 10 दिन लग रहे हैं, मैं तो उसको और नीचे लेके जाना चाहूँगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं और साथ ही साथ असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, मतलब इमीडिएट इंस्टेंटली, 10 दिन छोड़ दीजिए, इंस्टेंटली असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है और रिफंड भी है तो वो भी जल्दी मिल जाता है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उसको अपना अच्छा किया है, तो उससे मतलब 10 दिन छोड़िए सेम दिन में आ रहा है। और एक चीज़ और थी, जैसे TCS पिछले साल बजट में बढ़ाया था उन्होंने कि जो फॉरेन रेमिटेंस होता है 7 लाख तक पहले छूट थी, उसके बाद कम लगता था, 5% लगता था, उसको उन्होंने 20% कर दिया। अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, या मैं किसी को बाहर पैसा भेज रहा हूँ एजुकेशन के लिए, अगर बिना लोन के, तो उस पर 5% कटता था, उसको उन्होंने 20% कर दिया। उसको उम्मीद थी कि जनता को शायद थोड़ा छूट देंगे, क्योंकि मैं अगर 8 लाख रुपये खर्च करता हूँ तो 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, घूमने के जा रहा है आदमी तो वाइट में पैसा दे रहा है, लेकिन उन्होंने उसको छेड़ाखानी नहीं की है, उस पर 20% ही आपको देना है, बाद में एडजस्ट होता है, लेकिन आज तो मेरी आउटफ्लो बढ़ जाती है। तो उम्मीदों पे मतलब पॉपुलिस्ट बजट ऐस सच नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आम जनता के लिए जरूर समझता हूँ कि इसमें जो पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी स्कीमों पर खर्चा बढ़ाया गया है उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अंत में जनता को ही फायदा मिलने वाला है। पूरे बजट में से मैं चाहूँगी 2-3 ऐसे बिंदु जो आपको लगता है कि आपके जो फील्ड के लोग हैं या आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाएगा, साथ ही आम लोगों के लिए कुछ ऐसी 2-3 बिंदु जो आपको लगता है कि ओवरऑल जनरलाइज हम कर सकते हैं बजट में कि ये आम लोगों के लिए बेहतर है, या कुछ ऐसे लूप होल्स भी आपको लगे हों तो आप जरूर संक्षिप्त। अभी बहुत ज़्यादा तो उसको स्टडी सब लोग नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, एक जो आपने कहा, एक बड़े अच्छी स्कीम इस बार लेके आए हैं, जो पुरानी डिमांड्स हैं, पुरानी बकाया मांग पड़ी हुई है, उसके लिए उन्होंने एक नई योजना लेके आए कि 2009 तक की कोई डिमांड्स पड़ी हैं 25,000 रुपये तक की, उसको सरकार अपने आप ख़त्म कर देगी, और 2015 तक की 10,000 रुपये तक की डिमांड है उसको ख़त्म कर देगी। क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था और किसी की डिमांडें 20-20 साल से पड़ी हैं, तो 10,000 के ऊपर ब्याज ही 10,000 से ऊपर बन जाता है बहुत बड़ा, और वो उस पर कोई ना सरकार के पास रिकॉर्ड है, ना SSC के पास 10-15 साल पुराना रिकॉर्ड है, तो कहाँ से ढूंढ के लाए, कहाँ से बताए। तो सरकार ने जो स्कीम लेके आई है ये काफ़ी कुछ अच्छा होगा, जैसे उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ लोग को फायदा होगा, उन्होंने कुछ एस्टिमेट किया होगा, वो एस्टिमेट हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि शांति मिलेगी, जो पुरानी डिमांड्स पड़ी हैं उसके लिए आदमी डिपार्टमेंट में जाकर झगड़ा कर रहा है, ये कागज़ लाओ ये कागज़ लाओ, वो अगर खत्म हो जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, और उसको जो कोई रिफंड है जो अटक जाता है इस चक्कर में कि आपकी मांग बकाया है, तो रिफंड उसको मिल पाएगा। एक बहुत अच्छा कदम है इस बजट में जो सरकार ने आम जनता के लिए दिया है।